हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स तो द वे ऑफ द वर्ल्ड के हम शॉर्ट आंसर लेकर आ गए हैं ज़्यादा कुछ नहीं है इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे सब शॉर्ट आंसर ही है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेलाइकन को प्रेस कर दें ताकि हम इस तरह की जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो शॉर्ट आंसर देख लीजिए पहला शॉर्ट आंसर राइट आज शॉर्ट नॉट ऑन लेडी विस्पोर्ट लेडी विस्पोर्ट के बारे में बताना है आपको तो स्टार्ट करते हैं लेडी लेडीव इज आल्सो द मेन करेक्टर इन द प्ले द द वे ऑफ वर्ल्ड विच इज एन इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन ऑफ विलियम कांग्रेव सीज एन एरिस्टोक्रेटिक रिच विडो सिलीव सी लंदन सीज लेडी लीडिंग लेडी ऑफ फैशनेबल लंदन सोसाइटी मतलब वो एक ऐसी लेडी है जो अब भी लीड कर रहा है पचपन साल की है लेकिन अपने आप को ऐसा रखती है कि जैसे अट्ठारह साल की है तो सी इज फिफ्टी फाइव ईयर्स ओल्ड सी इज ए यंग एंड ब्यूटीफुल डॉटर सी हैज अ यंग एंड ब्यूटीफुल डॉटर एराबेला लेडी विस्पोर्ड हैज ए नाइस लिविंग विद हर एक उसकी भतीजी है जो उसके साथ रहती है हर नेम इज मीलामेंट एंड सी इज आल्सो वेरी यंग एंड ब्यूटीफुल सीज सिंपल एंड क्रिडिलियस वुमेन क्रिडलियस वुमेन का मतलब गाइस वो होता है जो एक दूसरे की बात पर एकदम से बिलीव कर लेती है लाइक दैट ओथेलो ओथेलो ने यागो की बातों पर भरोसा किया डेस्डोमनो को निपटा दिया ठीक है तो बस यही एक ऐसी नेचर होती है जो हम किसी की बातों में आए और उसने कहा कि भाई तुम्हारी पत्नी है, ऐसी है हमने जाकर अपनी पत्नी को दबा दब दप कर दिया तो ये सब क्रिडिलियस नेचर होती है तो दीज टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर पर्स लीड लैंड हर टू ट्रेवल यही उसे परेशानी में डालती है शीज वेरी कंसीसियस ऑफ हर सोशल स्टेटस मतलब बहुत ही सचेत है अपने सोशल स्टेटस के प्रति सी एसियंशियली ए ट्रेजिक करेक्टर इन द सेंस दैट सी कैरीज मर्सी एट द एंड ऑफ द ड्रामा शी वेल्स टू मिस फैनल इज देर नो मींस नो रिमेंडी टू स्टॉप माई र्यून वो कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरी बर्बादी को कोई नहीं बचा सकता मतलब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ सी बिलीव्स रेपिडली रियडली वाट इज सेट टू हर वी इंजॉय हर फुली दस सी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टर ऑफ द प्ले एंड द ड्रामेटिस्ट हैज़ बीन रिमेनिंग सक्सेस टू प्रजेंट हिज व्यूज थ्रो द करैक्टर ऑफ लेडी विस्पोर्ट तो दूसरा लॉन्ग आंसर आ गया पेटूलैंड पेटूलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट स्पाइसी कैरेक्टर ऑफ द प्ले जासूस है ये द द वे ऑफ़ वर्ल्ड कप विच इज रिटन बाई दिलियम हाई सेंस ऑफ ह्यूमन एंड इज मेक अस लाफ ये में हसा था इज वेरी ह्यूमरियस व्हेन ही टॉक्स ऑफ रॉक एंड इम प्रेसिस इज अ मैन ऑफ प्रीटेंशन आज अ विट विट चतुराई के रूप में पेट्रोलेंट पेटोलैंड नॉट सो ब्रिलेंट एज वुड इतना ब्रिलेंट नहीं है जितना विट वुड है ही डज नॉट कमांड द विस्डम पोजिशन बाय द शेक्सपियर फूल्स फूल ही चांस अस बाय हिज ओल्ड हैबिट एंड रिमार्क्स वी कैन नॉट कॉल हिम अच डिबोच बट सर्टिनली ही बिहेव्स इन ए स्काउंडली मैनर मतलब भद्दे तरीके से बात करता है इट मेक्स वुमेन लुक ग्रम ही हीज फ्रैंक विडवुड विडवुड कॉल हिम अ वेरी ऑनेस्ट फेलो विडवुड उसे बहुत ही ज्यादा ईमानदार व्यक्ति कहता है ही ही लीव्स जस्ट टू हैव नेवर हार्म्स अदर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है In this way, we can say that character of Petulant has been drawn with great interest on the part of dramatist. Next acta the Witwood. Whitwood is one of the fascinating character in the play, The Way of the World, which is written by William Congreve. Whitwood has been groped with Petulant. Whitwood is a brilliant counterpart of the Petulant. He attitudes towards him as... Has all alone have been noble and fair. He enjoys the wit of petulant along with it. Witwood has great faith in wit. Great faith in wit. Mein. He observe, a wit should no more be sincere than a woman constant. One argue a decay of part एज द अदर ब्यूटी ही इज ऑल्सो द मेन कैरेक्टर इन द प्ले वो भी मेन कैरेक्टर होता है करेक्टर देखो सभी मेन होते हैं किसी को भी हटा दिया जाता है और कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है ही वॉन्ट्स दैट आ विट शुड हैव कंसिडर फ्रीडम फ्रीडम विट वुड हैज टू फंक्शन टू परफॉर्म एज वन इज टू गे जनरेट ह्यूमर थ्रो हिज विटी रिमार्क्स एंड अदर इज टू प्ले द चोरस फॉर ही इज सपोज टू कमेंट ऑन सैवरल सिचुएशन इज वन ऑफ दिलेरियस स्प्रिट ऑफ द ड्रामा दस इज प्रकार इट कैन बी सैट दैट विट वुड इज हॉर्मोनियस करेक्टर इन दिस प्ले एंड प्रेजेंट इज व्यूज थ्रो द करेक्टर ऑफ विट वुड आगे और लास्ट ऑफ फोवेल फोवेल इज द मेड सर्वेंट एंड कॉन्फिडेंट ऑफ लेडी विस्पोर्ट इन द्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड ये लड़की जो है मेड सर्वेंट है लेडी विस्पोर्ट की ठीक है सी इज द गुड इंजीनियर ऑफ अफेयर अफेयर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखती है किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है ये ज्यादा ध्यान रखती है ऑन द अराइवल ऑफ सर रोलैंड सर लोलैंड के आने पर जो वेटवेल हर हस्बैंड है सी अरेज थिंग्स वेल इन हाउस होल्ड ऑफ लेडी विज फोर्ट सी पुट्स वैक्स लाइट मतलब मोम की मोमबत्तियां लगाती थी इन द सेंस में प्लेस में रो ऑफ द हॉल इन दर बेस्ट लेवर्स विद द कोच मैन अलॉन्ग विद इट सी इज वेरी इंटेलिजेंट वट एवर शी डज और सेज जो वो कहती है रेफ्लेक्ट हर इंटेलिजेंसी उसकी जो कुछ वो कहती है करती है उसकी इंटेलिजेंसी को शो करता है सी हैज ए ग्रेट कॉन्फिडेंस इज वेरी एंड कल्चर इन हर एक्शन अपने कार्यों में कन्वर्सेशन अपनी बातचीत में ऑन अकाउंट ऑफ दीज क्वालिटीज इन गुणों के कारण सी वॉन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ लेडी विस्पोर्ट के विश्वास को वो जीत लेती है सी इज द ऑथर ऑफ सेवरल लाइज दस इस प्रकार सी इज एट हर बेस्ट इन द ड्रामा वैन सीज सीन टेलिंग ऑफ वेरी इमेजनरी लाइज अबाउट मीरा बैल टू हर मिस्ट्रेस एंड द ड्रामेटिस्ट है वर्ल्ड थ्रो द करेक्टर ऑफ फोबैल तो कह सकते हैं कि इसका करेक्टर भी बहुत अच्छे से ड्रामेटिस्ट ने दिखाया है तो द वे ऑफ द वर्ल्ड के चार ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर थे जो हमने आपको बताए तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तो मिलेंगे बस आपसे फिर किसी नए वीडियो में